चीन में सरकार के स्वामित्व वाले एक अखबार ने वन चाइना पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने पहले भी वन चाइना पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वन चाइना पॉलिसी पर बातचीत होनी चाहिए। असल में अमेरिका की पुरानी रणनीति ये रही है कि चीन एक है ताइवान से अमेरिका के संबंध अनौपचारिक रहेंगे। चीन ताइवान को अपने से अलग हुआ प्रांत मानता है। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि वो हर मुद्दे पर वार्ताओं के लिए तैयार हैं जिसमें वन चाइना पॉलिसी भी शामिल है। चाइना डेली ने सोमवार को कड़े शब्दों में संपादकीय लिखकर ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो ताइवान के मुद्दे पर आग से खेल रहे हैं। इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने भी कहा है कि वन चाइना पॉलिसी पर कोई बातचीत नहीं होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तीन की ताइवान मामलों की समिति की प्रवक्ता इन फेंग शान ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी में कोई बदलाव ताइवान की खाड़ी में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर होगा। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी छपे एक लेख में ट्रंप को अनुभवहीन करार दिया गया है और कहा गया है कि ट्रंप ने एक बार चीन को नाराज किया है और अब उनकी ये आदत बढ़ ही रही है। ट्रंप ने राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ताइवान के नेता त्साई इंग्वेन से फोन पर भी बातचीत की थी जिससे चीन बेहद नाराज हुआ था।